पॉलिटिकल साइंस का ये मामला था। 25 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ उससे वो ऐसे ऐसे पेपर भी क्या हुआ था, और उसमें बच्चों को 98 मार्क्स आए हुए, चार बच्चों को 97-95, मतलब 50 बच्चे ऐसे जिसको 90 से ऊपर है। 2021 का जो पेपर था वो ऐसे कैसे 2022 में कॉपी कर दिया, पहला क्वेश्चन पहले पे, दूसरा दूसरे पे, ऐसे कैसे सीरियल नंबर भी चेंज नहीं कर रखे। 2021 का पेपर ऐसे कैसे कॉपी मार के 2022 में एंट्रेंस एग्जाम का जो था वो उसमें ऐसे कैसे बांट दिया गया। अच्छा, उसमें आपने जैसे आरोप लगाया कि पेपर वो बिका है, और कुछ जो कंट्रोलर हैं उसके भी रिश्तेदार हैं कुछ और हैं, उनके कितने कितने नंबर बरोबर हैं? कंट्रोलर के खुद रिश्तेदार, उनको 98 मार्क्स आए हैं उस पेपर में, 97 है, और 17 बच्चे ऐसे हैं जो YHOD हैं उसके नॉन हैं। ऐसे बांट दिया गया ना पेपर, बांट दिया गया, सबको बोल दिया गया जो पिछला पेपर था वो पढ़ के चले जाइए, और फिर वही का वही 2022 में पेपर आ रखे, एक साल पहले आउट हो रखे हो तो सबको, मेरा यूट्यूब पे पेपर पढ़ा वही का वही 2022 में दे दिया पेपर। अच्छा, आपने भी एग्जाम दिया था? हाँ, मैंने दे रखा, इसमें मेरे 70 नंबर आए। तो आपको फिर उसके बाद आप कोर्ट भी गए? इसके बाद मैं खुद कोर्ट गया हूँ, मैंने अपने नाम से केस डाल रखा है इसको लेके, और कोर्ट ने कई दिन पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन से यहाँ से कुछ आदमी बुलाए भी हैं, यहाँ से हाजिर भी हुआ, अगली 8 तारीख दे दी है, जो इसकी काउंसलिंग थी वो फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि मैं कोर्ट में चला गया था। सीधी वहाँ भी कह दिया, कंट्रोलर साहब को भी कह दिया, HOD को भी कह दिया था, किसी हाल में काउंसलिंग नहीं होने देंगे, पॉलिटिकल साइंस की काउंसलिंग नहीं होगी, पूरे हरियाणा की काउंसलिंग रुकी हुई है, ये नहीं हुई, दोबारा पेपर होगा हाल में। अच्छा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? ये 1900 बच्चों ने एग्जाम दे रखा है। तो अब आप क्या चाहते हैं? ये है, ये पेपर दोबारा हो, और इसमें कंट्रोलर से लेके जो चार प्रोफेसर है जिन्होंने एग्जाम बना रखा हो, HOD समेत सबके ऊपर FIR दर्ज हो, और यूनिवर्सिटी से डीबार किया जाए। ऐसे थोड़ी होता है, जो बच्चे राजस्थान सिरसा फतेहाबाद से आके पलवल से आके जो दो दो दिन पहले यहाँ बच्चे रुकते हैं, रात को वहाँ कोई धर्मशाला में रुकता है, कोई होटल में रुकता है, वो बच्चे यहाँ रुकते हैं, स्ट्रगल इतना करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पता लगता है बच्चों को रजिस्ट्रार ने, कंट्रोलर ने, HOD ने अपने जानकारों को पेपर बेच दिया। वो बच्चे क्या है, दो दिन पहले यही करने आते हैं क्या? उन बच्चों का सीधे सीधे शोषण हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़ा पेपर कांड हुआ है, जिसको लेके मैं कोर्ट में गया हूँ, और HOD को भी बोल दिया था, कंट्रोलर को, किसी भी हाल में ये पेपर दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग रोक दी गई, उन्होंने अखबार में निकलवा दिया था, कोर्ट के डर से निकलवाया, क्योंकि कोर्ट में गए हैं तब, नहीं तो काउंसलिंग कर देते, पूरी हरियाणा की काउंसलिंग रुकवा दी गई। पेपर एक सप्ताह के अंदर, पेपर अगर ये नहीं लेते हैं दोबारा, अगर ये दोबारा पेपर नहीं लेते हैं तो ये पूरे का पूरा साल ऐसे ही कोर्ट में, फिर तारीख को पहुंचेगा, HOD भी जाएगा, कंट्रोलर भी जाएगा, और कोर्ट में सीधे सीधे नाम लेके किसका कौन जानकार है, मैंने कोर्ट केस कर रखा है, उसमें कंट्रोलर की भतीजी भी है, उसमें HOD के 14 जानकार हैं, उसमें जो टीचर थे उसके जानकार हैं, सब के सब मौजूद रहे वहाँ पे, सभी के ऊपर FIR दर्ज होगी, डी बार की। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अब तक इतने नंबर कभी भी नहीं आए थे, अब तक जब से यूनिवर्सिटी बनी है, ये यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी का इतिहास बता देता हूँ आपको, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है 98 किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर नहीं आई है। 98 भी इसलिए आगे ना, 100 के 100 आते, क्योंकि दो क्वेश्चन जो थे उसके आंसर गलत थे, इसलिए 98 आए हैं। और अब फिलहाल 32 डिपार्टमेंट की लिस्ट लगी है, रात को 2 बजे तक लिस्ट लगी है, किसी भी डिपार्टमेंट के बच्चे की 98 के 90 से ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं, आप लिस्ट चेक कर लीजिए, 83 है मैक्सिमम, और 62, 63, 65 तक है लिस्ट, तो 60 नंबर पर रुकी हुई है लिस्ट, जिसका 58 उसका भी एडमिशन होगा, 98 ले रखी है कैसे क्या होगा। खुद मेरा जब 70 नंबर आए, मैंने पेपर मिलाया खुद, तब भी ये था कि मेरा ये था कि भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ, जब जाके देखा 98 है, जब ऐसा माहौल कर रखे, जब यूनिवर्सिटी में 98 आओगे पेपर, 50-50 हज़ार रुपये में पेपर, कंट्रोलर है HOD बेचेंगे, बच्चों का शोषण करेंगे, तो कैसे एडमिशन हो जाएंगे? ठीक, कोर्ट में मैं चला गया हूँ, यूनिवर्सिटी ने इस पेपर पर स्टे कर दिया, पॉलिटिकल साइंस का पूरे हरियाणा के अंदर कोई काउंसलिंग नहीं होगी, और अब कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रखी है, जल्दी से जल्दी जितने चार प्रोफेसर, एक HOD और कंट्रोलर समेत सभी के ऊपर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि सभी ने अपने जानकार बच्चों को पेपर बांट रखे हैं यहाँ पे, और पेपर बांट के रखे। तो अब क्या लगता है कि भाई एंट्रेंस होगा कैसे, कब होगा और क्या रहेगा? अगली तारीख पे कोर्ट ने 8 तारीख दे दी है, फिलहाल उस पे काउंसलिंग पे रोक लगा दी, कंट्रोल कोर्ट ने भी और यूनिवर्सिटी ने भी,
अगला एग्जाम 10 दिन के अंदर अंदर होना, लगातार कमेटी बैठने लग रही है और इस ये काउंसलिंग किसी हाल में नहीं होने देंगे। कंट्रोलर को भी बता के आगे थे इस डिपार्टमेंट के ऊपर ताला लगा देंगे। तो किसी भी हाल में ये पब्लिक एड का पेपर दोबारा, हर हाल में पेपर लेना पड़ेगा दोबारा। तो दोबारा आपकी दो मुख्य मांग है कि एक तो अपना एंट्रेंस दोबारा हो और दूसरा जिसकी भी गलती है, जो चार प्रोफेसर जिनने बना रखा है और जो एग्जाम कंट्रोलर है, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। प्रोफेसरा ने आगे तक पेपर बनाने तक कैंसिल करा जाए, उनकी आंसर शीट वगैरह जो चेक करने के मौका दिए जाए सब डिबार किया जाए उनको। ये है कंट्रोलर, कंट्रोलर के सामने ये मांग रख दी थी। जिन जिस टीचर ने HOD समेत चार और कमेटी में होते हैं पांच लोगों के ऊपर, पहले तो इनको डिबार करे, ये डिपार्टमेंट में कभी बच्चों को ना पढ़ाए, ना इनके आगे कभी इनके पास पेपर चेक करने के लिए भेजे जाए, ना इनसे कभी पेपर बनवाए जाए, इनको डी बार यूनिवर्सिटी से किया जाए। और कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगा रखी है मैंने, खुद कोर्ट में जाके इनके ऊपर FIR दर्ज हो। आपसे सबसे पहली बात करेंगे कि आपने सबसे पहली बात कहाँ उठाई इस बात को? सबसे पहले मैं जब रात को की मिलाई, जब देखा 98 दो तीन लड़के थे, मेरी उनसे बात हुई, वो बोले कि मेरे 98 आ रहे हैं। माँ भाई ठीक है, तो उनसे पूछा ये कैसे कैसे किया, हमारे को तो पहले बता दिया गया था। उसके बाद मैं अगले दिन कंट्रोलर से मिला, रजिस्ट्रार से मिला, DN से मिला। उन्होंने कहा भाई इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, जो इसने भी पेपर बना सबको डी बार करेंगे और सबके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। अब तक ना वो एक्शन लिया गया ना डी बार किए गए। अब फिर अगले दिन मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके मैंने HOD समेत कंट्रोलर और DN सबके सबका नाम उसमें लिख के, किसके जानकारों के पेपर हुए, किसकी भतीजी है उसमें एडमिशन हुआ, सबका कोर्ट में केस डाल दिया। और कोर्ट में केस डालने के बाद काउंसलिंग रुकी है, उसके डर से इन्होंने रात को नोटिस निकाला अभी काउंसलिंग नहीं होगी। अब पूरे हरियाणा की काउंसलिंग रुकी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, दोबारा पेपर होगा हाल में। यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई कार्रवाई करी जा रही है? नहीं करी जा रही, क्या पहुंची है? आपने जो यहाँ पे एडमिशन कमेटी बनी हुई है, इनमें VC ऑफिस में भी दरखास्त लगाई है, कंट्रोलर दौरे आप गए, कंट्रोलर ने कहा भाई उचित कार्रवाई होगी, तो आपने जाके अपडेट पता करी कि उचित कार्रवाई क्या करी है? क्या करी है उचित कार्रवाई? कार्रवाई ये है, बिल्कुल अब तक आश्वासन मिला, DN ने भी यही कहा है और कंट्रोलर ने यही कहा है। शुरू में ये कहा था माँ जी कार्रवाई करते, अब तक वो डी बार नहीं हुए हैं। और वो देखो डी बार कैसे होंगे, सब ने मिल के HOD ने अपने बच्चों के अलग से सिलेक्शन करवा रखे, कंट्रोलर के अलग से, सबकी मिली भगत से वो पेपर बना गया था। नहीं तो जब भी कोई एग्जाम बन जाता, कोई पेपर कंप्लीट बन जाता, वो चेक होने के बाद कंट्रोलर के पास जाता, कंट्रोलर उसको यस या नो करके वो कैंसिल करना या वो आगे जाना, कंट्रोलर उसको चेक करता है, खुद कंट्रोलर इसमें इन्वॉल्व है। और एक और मुख्य मुद्दा है कि MDU ने रिजल्ट तो ओवरऑल सबका जारी करा, सबका रिजल्ट एंट्रेंस का जारी करा, लेकिन कैटेगरी वाइज रिजल्ट नहीं जारी करा कि कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तो बना दी इन्होंने, लेकिन अगर कोई बालक है वो कहता है कि भाई SC मेरे 26 नंबर बने SC कैटेगरी में और 25 नंबर वाले का एडमिशन हुआ पड़ा है, तो अब उसका कैसे क्या कुछ है ही नहीं। देखो इसमें सरासर गड़बड़ की गई है, कुछ एडमिशन इस तरह भी हुए यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे जर्नल के थे बच्चों को बना दिया, जैसे जर्नल की लिस्ट बना दी, किसी के 72 आ रहे हैं, उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, क्या 67 वाले का एडमिशन ले दिया। यही SC में कर रखे, SC में कर रखे, BC बी में कर रखे, BCA में कर रखे, यही काम कर रखे सब जगह। अगर किसी के SC में 30 नंबर आ रहे हैं और 28 वाले का एडमिशन ले लिया, 30 वाला रहेगा क्योंकि उसकी मेरिट ही नहीं बनाई, यही है ना बात। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रोस्पेक्टस में दे रखी है NCC की 2 सीट दे दी, NSS की 2 सीट दे दी, सपोर्ट्स कोटे की दे दी, अब हमने एडमिशन की मेरिट लिस्ट पड़ी है, उसमें हम कहाँ से पता करें कि इस बच्चे को स्पोर्ट्स की सीट मिली है, इस बच्चे को NCC की मिली है, जिसका मेरे से कम नंबर में नंबर पड़ गया, वहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो बच्चा जब तक स्पष्ट मेरिट लिस्ट एक नहीं आई हुई, तो बच्चा मतलब कहाँ जाए, बार बार डिपार्टमेंटों के धक्के खाता रहे, और बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, अब जिसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, HOD उसका फ़ोन उठाता नहीं, मेल पर कोई जवाब होता नहीं, तो एक स्पष्ट मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आई आपकी? देखो ये जो स्पोर्ट्स वाला मामला ना, NCC वाला मामला, ये पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स की सीट को उजागर नहीं किया गया। कल इसको लेके हम पब्लिक एड में भी गए थे, वहीं पूछा गया था स्पोर्ट्स की कोई सीट किसी भी डिपार्टमेंट में दिखाई नहीं गई है, क्योंकि स्पोर्ट्स के जब बच्चों ने एडमिशन कर दिया, जिसके नेशनल में पार्टिसिपेट है, उसको एक क्राइटेरिया कर दिया, उसको बताया नहीं गया कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की सीट है, उसको उजागर ही नहीं किया गया किसी डिपार्टमेंट में। आज लाइब्रेरी साइंस का हुआ है, LLM का हुआ है, MA इंग्लिश का हुआ, किसी के अंदर स्पोर्ट्स की सीट दिखा नहीं रखी, NCC वाले बच्चों को नहीं दिखा रखी, ये तो सरेआम यहाँ पे। और जबकि प्रोस्पेक्टस में सीट है पड़ी, और अब उस बालक का जिसने मतलब जिसका कम नंबर पे ज़्यादा नंबर पे एडमिशन नहीं हुआ,
अब अगर किसी का कम नंबर पे एडमिशन हुआ है पढ़ा है उसका मान लो एनसीसी की सीट दे दी, अब और बच्चों को तो नहीं पता ना उसको एनसीसी की सीट मिली है, अब वो तो धक्के खाने आएगा यहाँ पे, पता करने आएगा भाई मेरा तो ज़्यादा नंबर थे मेरा नहीं हुआ, तो उसकी सीट पे बकायदा कुछ तो कुछ रिमार्क्स लिखना चाहिए था कि भाई स्पोर्ट्स की सीट है इसकी HOGC में हरियाणा ओपन जनरल में स्पोर्ट्स की है, NCC वाली में होया है जिसका कम नंबर पे हो गया, इफ जनरल में मेरे 50 आ रहे हैं 45 वाले का नंबर है तो मैं भी घूमूंगा पता करूंगा भाई, और बताते भी नहीं कई जगह, नहीं कहीं नहीं बताते, या लिस्ट भी जारी कंप्लीट नहीं कर रखी मेरिट वाली जो लिस्ट कर रखी है, कई जगह तो ऐसे रखे बच्चों को 75-80 आए हुए हैं उन बच्चों का लिस्ट में नाम ही नहीं दे रखा, वो आज भी एम इंग्लिश में भी ऐसा हुआ है जो दो टॉप जिन्होंने बच्चों ने कर रखा उनका मेरिट लिस्ट में ही नाम नहीं था, बोले भाई हमारे 80 हैं एक नो वाले 75 हैं मेरे, और 70 वाली लिस्ट लगा रखी हो दो ऊपर वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, सोरा इसमें बिल्कुल इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रखी है, 3-4 डिपार्टमेंटों के हमारे पास लिस्ट आई, RTI लगाएंगे पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बर्खास्त करने का काम करेंगे, इसी हिसाब से मिलेंगे कि ये क्या करके सर हम गुंडागर्दी फैला रखे हैं यहाँ पे डिपार्टमेंटों में, बच्चों ये नहीं बताते NCC की सीट है स्पोर्ट्स की सीट है या किस कैटेगरी की कितनी सीट है, वो ऐसे कैसे एडमिशन करने लग रहे। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद।